के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो आज शाहजहांपुर के दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने 250 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी ने इन विकास को धार देते हुए इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। जहां पर आज सीएम योगी पहुंचे थे, यहां पर 250 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी खासा हमला बोला। सपा सरकार के दौरान जिस तरह से गौकशी हुई, उसको लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। एक बिस्मिल अगर फांसी के फंदे पर चूमेगा तो हजारों बिस्मिल स्वयं पैदा होते हुए दिखाई देंगे। नौजवानों की इस भीड़ में हजारों बिस्मिल पैदा होंगे। एक ठाकुर रोशन सिंह फांसी के फंदे को छुएगा तो हजारों ठाकुर रोशन सिंह पैदा हो जाएंगे। एक अस्फाउल्लाह खां अगर फांसी के फंदे को चूमेगा तो ऐसे हजारों अमर बलिदानी पैदा हो जाएंगे। और ये श्रृंखला चलती रही, अनवरत चलती रही, कभी रुकी नहीं, कभी झुकी नहीं, कभी टूटी नहीं। और उसका परिणाम था कि 1947 में देश आजाद हुआ। और हमारी परंपरा इस बात को कहती है कि शहीद का जो बलिदान होता है वह किसी भी राष्ट्र की जिंदगी होती है। इस देश के लिए जिन अमर बलिदानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन्होंने सत्ता के मोह के लिए नहीं, केवल एक ही उन सब का लक्ष्य था, इस देश के लिए, इस देश के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति ऋण से उऋण होने के लिए इन अमर सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, अपना बलिदान दिया था। बढ़ते आगे, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने